नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी, आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी बहुत स्वस्थ होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सेशंस में बने रहिएगा, कंप्लीट सेशंस देखिएगा, पूरा सेशंस देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस है। कोई भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट एसपीए क्लर्क, बैंकिंग का कोई एग्जाम्स हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी में आपके यह वीडियो बहुत काम आएगा। कंटिन्यू करते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो गया एंड देन बैंकिंग गवर्नेंस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल सफर, नेशनल सफर, सभी टाइप के न्यूज, सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है। एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, राइट? तो कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे आपको वीडियो, कुछ भी चीजें समझ में आए आपको, लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहां जहां आपकी रचे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। ये मई मंथ की कंप्लीट डेज है, जो लास्ट मंथ गया है आप सभी को मालूम है, जैसे कि प्रत्येक मंथ के एंड में मैं टॉपिक बेस पर यह वीडियोज बनाता हूँ, राइट? ऐसा नहीं है मई मंथ का ही है, राइट? इससे पहले मैंने अप्रैल के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सभी मंथ के वीडियोज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका। एग्जाम्स में एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, तो प्लीज अगर आपको देखना है तो मेरे लास्ट वीडियोस भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स पे लिंक अवेलेबल है, राइट? और मई मंथ का भी वीडियो जरूर देखिएगा, कंटेंट को देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट मैंने अपलोड किया है, 100% आपकी बहुत काम आएगा। आप एंड को देख लीजिए, और डेज के रिगार्डिंग गारंटी से कह सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, और आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट मत करिए, जो चीज दे रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ते चलिए, राइट? तो ये तो रहे डेज, और ये आपकी बुक्स है। मई मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज की है, पर्टिकुलर किस व्यक्ति ने लिखा है, पुस्तक का क्या नेम है, सभी के सभी इसमें मैंने डाल दी है। ओके, एक सेपरेट वीडियो में मैं मंथली बेसिस पे बनाते रहता हूँ, टॉपिक बेस पर, जैसे ऑबिचुरीज हो गई, अपॉइंटमेंट हो गए, इन सभी का भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा चैनल्स पे। आप बस चैनल्स को विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में तो मैंने आपको बताया भी है कि एग्जाम्स में डेफिनेटली जो क्वेश्चंस बताया था, स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है, एकदम डिटो वही क्वेश्चंस पढ़ा है। ओके, और आगे भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि मेरा कंटेंट इस टाइप का कंटेंट नहीं है जो आपके काम ना आ सके। मेरा कंटेंट बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, आप एक बार इन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के। क्वेश्चंस है, माय डियर एस्पिरेंट्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चिली रिसेंटली। चिली गणराज्य है, जो कि भारत की तरफ से किस व्यक्ति को चिली में राजदूत बनाया गया है, राइट? तो यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह बने हैं, दैट इज द शुभर्त सुब्रत भट्टाचार्य, राइट? शुभर्तो भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, तो बी ऑप्शंस आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुब्रतो भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, राइट? जो कि आपकी
चिली गणराज्य के नए नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, चिली की कैपिटल सेंटियागो है। सेंटियागो बहुत पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ चिली। ओके, आलोक रंजन झा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी रिसेंट में राजदूत बने हैं बेलारूस के, राइट, बेलारूस के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं आलोक रंजन झा, याद रखिएगा। क्लियर, तो ए ऑप्शन आपका आलोक रंजन झा, इसका आंसर बी ऑप्शन होगा सुब्रत भट्टाचार्य। ओके, ये देख लीजिए कटिंग्स भी आपके सामने है, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट माय डियर एस्पिरेंट्स, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, जीएसटी रेवेन्यूज फॉल्स टू 1.02 लाख करोड़ इन मई, राइट। अभी रिसेंट में जो मई मंथ कंप्लीट हुआ है, तो मई मंथ के कंप्लीट होने पर जो जीएसटी का कलेक्शंस हुआ है उसमें माय डियर एस्पिरेंट्स अप्रैल से अगर कंपेयर करें तो रिसेंट 1.02 लाख करोड़ रुपीज का कलेक्शंस हुआ है, यानी कि एक तरह से फॉल हुआ, राइट। बहुत एक तरह से कम, अप्रैल के महीने से कंपेयर करें तो कम कलेक्शंस हुआ है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर, 1.02 लाख करोड़ रुपीज जीएसटी का। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आईडी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसको कहा जाता है। ओके, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके किसी थर्ड पर्सन के थ्रू अपन पैसा गवर्नमेंट के हाथों में देते हैं, वह आपके इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। एग्जाम्पल्स के लिए जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को सीधा पेमेंट करना, पे करना, टैक्स जमा करवाना, ये आपकी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में बनाता है। ओके, याद रखिएगा जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जिस समय मोदी गवर्नमेंट आपकी रूलिंग पार्टी थी, यानी कि मोदी गवर्नमेंट, भाजपा की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ही इसको लागू किया था, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ। रिसेंट में 43 मीटिंग्स हुई थी जीएसटी काउंसिल की, राइट, जिसमें एमनेस्टी स्कीम्स को एमनेस्टी स्कीम है उसको लाया गया था, कुछ रिटर्न्स की डेट्स हैं, राइट, उनको फाइल किया गया। इसमें पर्टिकुलर अगर आप समझना चाहें तो जीएसटी में माय डियर एस्पिरेंट्स आपकी बहुत सारे प्रकार के रिटर्न होते हैं, बट जो मेन रिटर्न होते हैं जैसे GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी, राइट, ये जो मेन रिटर्न है ये डेफिनेटली, और GSTR 4, इसमें कंपोजिशन स्कीम्स होती हैं, इतने डेप्थ में आपको नहीं जाना है, राइट, अभी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इतना डेप्थ में बताते बताते। मेन रिटर्न का ध्यान रखिए GST 4, कंपोजिशन डीलर के लिए GST 3 भी, जो रेगुलर डीलर हैं उनके लिए होती है, सेल और परचेज के टैक्स जमा करवाने के लिए 3B होती है। 2A में माय डियर एस्पिरेंट्स जो परचेज के लिए रिटर्न बढ़ाते हैं, राइट, उनका जो शो होता है ITC, वह 2A में। 1 में सेल्स की पूरी HSN वाइज डिटेल जाती है कोड। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज रंजीत सिंह देशाले अपॉइंटेड वर्ल्ड बैंक एजुकेटर एजुकेशन एडवाइजर। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है, उन्होंने अपॉइंटेड किया है, राइट, नियुक्ति दी है आपके रंजीत सिंह देसाले, जो कि पहले ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2020 का अवार्ड से वह जीता है। पहली चीज, पहले ऐसे इंडियन हैं जो उनको ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेम क्या है? रंजीत सिंह। इसी के बाबत ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने एजुकेटर एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है, याद रखिएगा। ओके,
इनकम इनकम अभी आपको मैंने बताया था, रिसेंट बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे थे रंजीत सिंह दसाले, जो लॉकडाउन लगा था उन्होंने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाया था, राइट? क्लियर? याद रखिएगा, रंजीत दसाले अपॉइंटेड वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर। पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक ने इनको इसलिए बनाया है ताकि जो एजुकेशन का फील्ड है, टीचिंग का जो प्रोफेशनल्स है, उनको बढ़ावा मिल सके। इनके लिए इस व्यक्ति को इनको आपकी एजुकेटेड एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है। नाम याद रखिएगा, पहले ऐसे इंडियन हैं ग्लोबल टीचर्स अवार्ड जीतने वाले, यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चंस बन सकता है। ओके, तो ये तो थी आपकी न्यूज, एंड देन नाउ आज के क्वेश्चंस हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। वर्ल्ड बाइसाइकिल यानी कि विश्व साइकिल दिवस है, जो कि आपके कब बनाया जाता है, तो वह बनाते हैं 3 जून को। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में, विश्व साइकिल डे के रूप में बनाते हैं। ओके, जून मंथ में अभी तक अपन ने पढ़े हैं 1 जून यानी कि 1 जून को वर्ल्ड वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे जो कि आपकी 1 जून को मनाया जाता है, राइट? इसी दिन ग्लोबल्स पेरेंट्स डे के रूप में भी बनाते हैं। फिर आता है 3 जून, 3 जून जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। अगर आप डेली जुड़े रहेंगे ना, तो डेफिनेटली इन डेज को सारों में रिविजन्स भी आपको अच्छे से करवा दूंगा, यानी कि मंथ एंड तक आपको पूरा रटवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। 5 जून को बनाते हैं आपकी, दैट इज द एनवायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, राइट? याद रखिएगा, क्लियर? 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस आपकी बनाया जाता है। ओके, तो ये जून मंथ के अभी तक अपन ने कवर कर लिए हैं। अगर आपको मई मंथ का देखना है, तो वीडियो के स्टार्टिंग्स में मैंने आपको बता रखा है, देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज द ट्रूथ एसे 2003 टू 2020 इन इज अ क्रॉनिकल्स ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स। सत्य की भाषाएं निबंध 2003 से 2020, यह एक पर्टिकुलर पुस्तक है, लेखकों को किसने इस पुस्तक को लिखा है, तो यह लिखा है नंदन सलमान रशुदी। सलमान रशुदी हैं जिनको आपकी सलमान रसूदी हैं जो कि आपकी जिन्होंने पुस्तक लिखी है लैंग्वेज ऑफ द ट्रुथ एसे 2003-2020। क्लियर? ऑप्शंस देखिए, आदित्य गुप्ता, अगर जिसने कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आपकी बुक्स बेस पर, उसमें मैंने बताया था आदित्य गुप्ता के बारे में, सेवन द लेशंस फ्रॉम, इन्होंने पुस्तक लिखी है सेवन द लेशंस फ्रॉम एवरेस्ट, जो आपकी एवरेस्ट एक माउंटेनर है आदित्य गुप्ता, राइट? तो उनसे सेवन द लेशंस फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, राइट? एवरेस्ट, क्लियर? उनसे कुछ सीखने के लिए, किसके लिए? फॉर द लर्निंग ऑफ बिजनेस एंड लाइफ, राइट? अपने लाइफ के बारे में, व्यवसाय के बारे में, धंधे के बारे में, ये 7 प्रकार के लेशंस की इन्होंने वर्णन किया है। ओके, दीप हल्दा जो कि माय डियर फ्रेंड्स बंगाल की जो 2021 की इलेक्शंस डायरी है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, दीप हल्दा। ओके, सलमान रशुदी जो कि आपके रिसेंट में लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ एसे 2003-2020 इज अ क्रॉनिकल्स, यह एक पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडस्ट्री बॉडी द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज फॉर 2021-2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII, किस CII में आपकी अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में TV नरेंद्र, राइट?
राइट। टीबी नरेंद्रन है जो कि आपकी रिसेंट में सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके याद रखिएगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आपकी ऑप्शंस देखिए, सबसे पहले डी वंदिता कौल, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, वंदिता कौल है, अब तो स्टूडेंट्स को याद भी हो गया होगा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुई है वंदिता कौल। अरुण मिश्र, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राइट, जो आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, राइट, उसके चीफ के रूप में नियुक्त हुए हैं अरुण मिश्र, याद रखिएगा। बीवीआर, बीवीआर एक्स सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा, बीवीआर फाइनेंस मिनिस्टर बीवीआर सुब्रमण्यम। ओके तो इसका आंसर टीवी नरेंद्रन होगा। ऑप्शंस भी मैं जानबूझकर इस टाइप के डालता हूँ ताकि स्टूडेंट ने जो अभी पढ़े रखे होंगे ना वो 100% इनका रिविजन भी कर लें। ओके नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है जो कि आपकी किसको जीता है, कौन जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो वह जीते हैं डेविड डियॉप, राइट, डेविड डियॉप है जो कि आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप से सम्मानित किए गए हैं, राइट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। ये देख लीजिए, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक, दैट इज द पुस्तक है, इनको इनकी पुस्तक की वजह से 2021 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूप में सम्मानित किया गया है, लगभग 50 लाख रुपीज ये प्राइज मनी है, 50 लाख रुपीज इनको प्राइज मनी है इसमें दिया जाएगा। ओके और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं, पहले ऐसे फ्रांसीसी हैं जिनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर, भारत का पहला नैनो तरल यूरिया उर्वरक है जो किसने लॉन्च किया है, तो वह लॉन्च किया है किसानों की सुविधा के लिए इफको, इफको ने पहला फर्स्ट नैनो लिक्विड लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर है जो आपके लॉन्च किया है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मैग्मा फिनकॉर्प, मैग्मा फिनकॉर्प है जिसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द आपकी आदर पूनावाला, आदर पूनावाला है, उनको आपके नियुक्त किया गया है मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में। ओके ओके ये आपके कटिंग से देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द मूडीज, मूडीज के अनुसार इन्वेस्टर सर्विसेज, इन्वेस्टर की जो सर्विसेज हैं, इंडिया इकोनॉमिक विल रीबाउंड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर टू मार्क अ ग्रोथ ऑफ, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी फोरकास्ट की है मूडीज, राइट, तो मूडीज ने फोरकास्ट की है दैट इज द 9.3%, 9.3% याद रखिएगा। क्लियर, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, S&P, राइट, एंड की स्टैंडर्ड एंड पुअर की रेटिंग, इंडिया रेटिंग, राइट, ये सभी आपके रेटिंग प्रेडिक्ट करती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो 9.3% मूडीज ने फोरकास्ट की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है, 91 वर्ष की आयु में, 91 थी, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ, राइट, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर्स रहने वाले कौन से ऐसे किस देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो वह बने थे मॉरिशस के। ओके मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके थे टोटल 6th टाइम, राइट,
छह टाइम आपके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार देखा था। आईटी याद रखिएगा, मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है। रिसेंट में इनके सुपुत्र हैं प्रवीण जगन्नाथ, जो कि आपकी प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। ओके, टीएम कलीमन गाउंडर, हु वाज द लास्ट सर्विंग मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पास्ड अवे। ही इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। टीएम कलियानन गौंडर, जो कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे, लास्ट सर्विंग मेंबर थे, जो भारत के जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी राइट। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? तो वह थी तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। ऑब्चुरीज में डेफिनेटली यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा ना तो पेपर समझ लीजिए थोड़ा सा टफ है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आज का क्वेश्चन, हु वाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्ड द सेकंड पोजीशन इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एस डी जी इंडेक्स। एस डी जी इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है, दूसरे, व्हाट इज द सेकंड पोजीशन? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि सर सेकंड पोजीशन पर यह है। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, प्लीज आंसर जरूर दे दीजिएगा। ओके, तो एंड अप करते हैं वीडियो को, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, जो भी मैंने वीडियोज आपके साथ शेयर किया है उनको एक बार जरूर वॉच करिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए, लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।